गंगा जी के पास श्रृंगवेरपुर है, उसके निकट वे पहुंचे तो वहां पर निषाद राज रहते थे। आज भी यह श्रृंगवेरपुर है और गंगा के तट पर ही लगभग है। तो वहां पता लगा निषाद राज को, तो वे आए भगवान से मिलने के लिए। वे महाराज दशरथ के अधीन एक राजा जयसिंही थे, महाराज दशरथ उनको बहुत मानते थे। तो भगवान श्री राम को अपने सखा के रूप में वे मानते थे। तो सुने कि राम आए हैं तो उनको बहुत दुख हुआ, और ये भी सुने कि इनका राज तिलक नहीं हुआ और इनकी सौतेली मां ने इनको वन में जाने को कहा, इसलिए आ रहे हैं। वो आए देखे तो बहुत दुखी हुए, पैर में कोई जूता नहीं और वेश भी बिल्कुल मुनि का वेश, और जटा बढ़ी हुई, जटा मतलब केश नहीं संवारे थे, जटा तो बनाएंगे गंगा जी के तट पर, बरगद के दूध द्वारा भगवान ने जटा बनाया अपने केश को, कभी तेल नहीं लगाया 14 वर्ष, कभी कंघी नहीं किए, निर्व्याज धर्म का पालन किया भगवान ने, कोई कपट नहीं, कोई बहाना नहीं, करना है तो करना है, जमीन पर सोना, कंदमूल फल खाना, बलकल वस्त्र पहनना, कभी किसी गांव में न जाना, किसी से कोई सांसारिक चर्चा न करना, ये सब बात भगवान पालन कर रहे थे। तो निषाद राज को बहुत दुख हुआ, बहुत लंबी कथा है, वो लगे कहने कि आप चलिए हमारे घर रहिए, वो भी तो एक छोटे से राजा थे, आप हमारे घर रहिए, आराम से रहिए, सब लोग रहे। उधर क्या हुआ कि तमसा नदी के तट पर जब नहीं मिले भगवान राम, तब ये लोग लौट गए अयोध्या, बहुत दुख के साथ अयोध्या वासी। इधर निषाद राज के पास भगवान कहने लगे कि मित्र, मेरे पिताजी का आदेश है कि मुझे 14 वर्ष वनवासी मुनि व्रत लेकर के रहना है, इसलिए मैं गांव में नहीं जा सकता हूं। तब निषाद राज व्यवस्था किए, गंगा जी के किनारे श्रृंगवेरपुर के पास ही गांव से बाहर एक शिशुपा का वृक्ष था, उसके नीचे रात को विश्राम करने के लिए बनाया, और कंद मूल फल मंगाए बाहर वाले, कई निषादों को भेज कर कहे कंद मूल फल लाओ, तो उसका भगवान ने भोजन किया और वहीं पर रात को सोए विश्राम किए। निषाद राज और लक्ष्मण जी रात में बहुत बात किए, निषाद राज बहुत रो रहे थे देख करके, वैकुंठ के अधिपति है साक्षात परब्रह्म भगवान, और वे धूलि में शयन करे कुश पर के घास पर, कुश पर पत्ता पर, तो रोने लगे। तो लक्ष्मण जी उनको बहुत उपदेश कर रहे थे, अब चिंता मत करो, अरे साक्षात हैं, लीला कर रहे हैं, और इसीलिए सब लीलाएं कर रहे हैं कि इनको गा करके सुन करके भक्त भाव सागर से तर जाएंगे, इनको कोई दुख नहीं है, ये दुख सुख से परे हैं, चिन्मय हैं, दिव्य हैं। तब निषाद राज कुछ धीरज रखे, सवेरे होने पर भगवान ने सुमंत जी को भेजा, कहा कि जाकर के पिताजी से कह दीजिएगा ये बात। सुमंत जी ने कहा कि सीता जी के लिए दशरथ जी ने ये कहा है, आपके लिए ये कहा है, लक्ष्मण जी के लिए ये कहा है, और कम से कम आप नहीं लौट सके तो सीता को लौटा दीजिए, महाराज दशरथ ने कहा है। लेकिन सीता ने कहा कि नहीं, मैं नहीं लौटूंगी। भगवान ने कहा कि देखो सीता, तुम्हारे लिए पिताजी का संदेश है, तुम लौट जाओ, रथ है ही, रथ पर चले जाओ। नहीं, सीता जी नहीं लौटी। सुमंत जी चले हैं अयोध्या बिना राम के, तो उनके उस अयोध्या गमन के दृश्य का वर्णन गोस्वामी जी ने बहुत हृदय विदारक किया है, बहुत दुखमय है। तो पहुंचे अयोध्या, तब गोस्वामी जी दूसरी कथा करते हैं, बरबस राम सुमंत पठाए सुरसर तीर आप तब आए। सुमंत जी को जबरदस्ती भगवान ने भेजा और इसके बाद गंगा जी के किनारे वे आए। बहुत सिंपल कथा है। वहां आने के बाद
ऐसी बात है कि और दिन लक्ष्मण जी मांगते थे, किसी से कुछ मांगना हुआ, मान लीजिए अभी तो मांगने का कोई अवसर नहीं आया, तो भगवान श्री राम ही स्वयं जा करके तट के पास कहे, ए केवट ओ धीवर नौका लाओ, मांगी नाव न केवट आना। लेकिन केवट लाया नहीं, आना माने आना नहीं, आनयन नहीं किया, नहीं लाया। बार बार भगवान ने कहा ओ धीवर, धीवर कहते हैं संस्कृत में मल्लाह को, ओ नाविक नौका लाओ, हमें गंगा पार जाना है। आखिर पार करने के लिए ही रखे हो ना यहां नौका, तो बोल नहीं रहा था। भगवान ने दो तीन बार कहा ओ नाविक नौका लाओ, हमें गंगा पार जाना है। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, गीत में अनूप जलोटा जी गाते। तो वो ऐसे कर रहा था जैसे सुन नहीं रहा है, इसके बाद ध्यान से सुना, वास्तव में महान भगवत भक्त पुरुष था वो। उसे इतना आह्लाद हुआ कि भगवान गंगा जी के तट पर आए हैं तो इनका चरण कमल मैं धोऊंगा, मेरा अहो भाग्य होगा। तो भगवान का चरण कमल धोने की लालसा से वो एक अजीब ट्रिक किया, क्या आप कौन हैं, आपका नाम, नाविक पूछता है। अरे भाई मेरा अयोध्या घर है और मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं और मेरा नाम है राम। राम मैं नहीं लाऊंगा नाव, तो सीधा कहा नहीं नहीं नहीं, ठीक है नौका पार करने के लिए है लेकिन आपके लिए नहीं है, क्यों क्या बात है। कही तुम्हार मरम में जाना, उसने कहा कि आपका मर्म मैं जानता हूं, आपका रहस्य मुझसे छिपा हुआ नहीं है। ये कौन सा रहस्य है, भगवान इस तरह से मानो पूछते हैं कौन सा रहस्य है मेरे विषय में। अरे बहुत दुनिया में विख्यात रहस्य है तो मैं जानता हूं। कही तुम्हार मर्म में जाना, क्या मर्म है, नौका पर तो चढ़ाओ। नहीं नहीं उसी के विषय में तो बता रहा हूं।